नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे हम लोग प्रोग्रामिंग को सीख ले हैं, आज हम लोग नए टाइप के प्रोग्राम बनाएंगे। और नए टाइप के प्रोग्राम में आज मैं सारे अलाइनमेंट का यूज करते हुए आज मैं आपको पैराग्राफ का यूज बताऊंगा। डियर, किस तरीके से अपने कोडिंग में हम लोग पैराग्राफ को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डियर आज हम लोग चर्चा करते हैं पैराग्राफ के लिए। और पैराग्राफ में सारे अलाइनमेंट को आज हम लोग देखेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ का यूज करेंगे। तो आइए डियर बात करते हैं। थोड़ा सा लंबी कोडिंग होगी लेकिन फिर सारे अलाइनमेंट का आज हम लोग यूज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वही काम करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे और यहां से हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत आसान है, बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, कौन सा अलाइन आपको लगाना है, उस अलाइन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एस्टीमेट टैग ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एस्टीमेट टैग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। एस्टीमेट टैग जैसे हमारा ओपन हुआ, तुरंत हम लोग क्या करेंगे डियर, आपको पता ही होगा, बॉडी टैग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। कौन सा टैग ओपन कर लेंगे, बॉडी टैग यहाँ पे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, बॉडी टैग ओपन हो गया। ठीक है, जैसे हमारा एस्टीमेट टैग ओपन हुआ, बॉडी टैग ओपन हुआ, वैसे हम लोग क्या करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट। आपको पता होगा अलाइनमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको पी टैग अप्लाई करना पड़ेगा और पी टैग के अंदर हमको यहाँ पे अलाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी पी हमारा क्या है, अलाइन को डिफाइन करेगा। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलाइन को डिफाइन कर दिया ना। और यहाँ पे हमको अलाइन क्या रखना है, लेफ्ट रखना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट लिख दिया। क्या रख दिया डियर, अलाइन हमारा कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन यहाँ पे प्रयोग कर लिया। अब क्या करेंगे डियर, आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन करना है, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखना है, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फिर आप यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज ए फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे आप क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में डियर क्या करना है, आपको पता ही होगा कि अपने पी टैग को हम यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। पी टैग को क्या करेंगे डियर, क्लोज कर देंगे। और भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लो। ओके, पी टैग को क्लोज कर दो। चलिए, ये तो हमारा पहला अलाइन हो गया, लेफ्ट लाइन। इसी तरीके से डियर हम क्या करेंगे, लेफ्ट के बाद अगर हमें सेंटर लाइन का यूज करना हो तो यहीं पे हम क्या करेंगे, पी टैग ओपन कर लेंगे और यहां पे डिफाइन कर लेंगे कौन सा अलाइन, सेंटर अलाइन यहां पे डिफाइन कर लें। और सेंटर को यहां पे हमने टाइप कर दिया। सेंटर में हमको क्या रखना है ना, पी टैग अलाइन का नाम क्या रखना है, अलाइन का नाम बिल्कुल यहां पे अलाइन इक्वल टू क्या करोगे, सेंटर कर दोगे। हमने सेंटर रख दिया। ओके, चलो अब क्या यहां पे लिखेंगे, दिस इज ए सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज ए सेकेंड पैराग्राफ। दिस इज ए सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज ए सेकेंड पैराग्राफ।
दिस इज ए सेकेंड पैराग्राफ, ओके। इस तरीके से इसको हम बनाते चले जाएंगे और क्या करेंगे, अपने हम पी टैग को यहीं पे क्लोज कर देंगे। ओके चलिए अब क्या करेंगे, और भी लाइन का यूज करना है बिल्कुल, यहां पे पी टैग ओपन कर लो, कौन सा लाइन रखना है, कौन सा लाइन यहां पे रखना है डियर, यहां पे हमको सेंटर के बाद राइट लाइन रख लेना है, बिल्कुल आप रख सकते हो, हमने यहां पे राइट लाइन को रख दिया। ओके क्या रख दिया, एलाइन हमारा कैसा हो जाए, राइट हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए थर्ड पैराग्राफ, दिस इज ए थर्ड पैराग्राफ, दिस इज ए थर्ड पैराग्राफ, ओके। फिर हमने यहां पे लिख दिया दिस इज ए थर्ड पैराग्राफ, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अपने पैरा को बंद कर दो, ठीक है, ये हमारा तीन हो गया, और एक अलाइनमेंट आपका बचता है क्या, जस्टिफाई। तो फिर से यहां पे हम क्या करते हैं, पी टैग को डिफाइन कर लेते हैं और यहां पे अलाइन कैसा रख लेते हैं, यहां पे अलाइन जस्टिफाई कर देते हैं, बिल्कुल यहां पे जस्टिफाई कर दो, जस्टिफाई, चलो जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज ए फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, दिस इज ए फोर्थ पैराग्राफ, ओके। इस तरीके से करके क्या करेंगे भाई, अपने पैराग्राफ को बंद कर देंगे, ओके पैराग्राफ हमारा बंद हो गया, बॉडी बंद हो गया, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, ओके। जैसा कि आपके सामने मैंने पैराग्राफ यहां पे हर एक अलाइनमेंट का यूज किया है, जैसे कि लेफ्ट का किया है, सेंटर का किया है, राइट का किया है और जस्टिफाई का। अब इसको हम सेव करते हैं डियर, बिल्कुल यहां पे सेव कर लो, थोड़ा सा बड़ी कोडिंग है, डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करेंगे और फाइल का नेम दे देते हैं, फाइल का नेम दे देते हैं मान लो यूनिक, यूनिक डॉट एचटीएमएल, सेव हो गई फाइल, रन करा के आप देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ और दे दो भाई, डबल आर डॉट एचटीएमएल, फाइल सेव हो गई, रन करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ का यूज किया है, सारे पैरा आपके सामने आए हुए हैं, देख लीजिए, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, सेंटर का मतलब सेंटर, राइट का मतलब राइट और जस्टिफाई का मतलब जस्टिफाई। यहाँ पे हम लोग चारों पैराग्राफ का यूज करके आपके सामने इस तरीके से मैंने बना दिया, और भी आप लोग कंटेंट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा हो गया
अलाइनमेंट का यूज कैसे करते हैं। ओके डियर, सबको बात समझ में आई, थैंक यू।